What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 7 नवंबर 2019 थर्सडे है, सुबह के 8:10 हो रहा है। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। कल का दिन ट्रेडिंग के लिहाज से काफ़ी ज़बरदस्त था। कल बाजार में एक न्यूज़ थी, कैबिनेट ओपन्स ₹25,000 करोड़ विंडो फॉर स्टक हाउसेस, यानी रियल्टी सेक्टर के लिए यह बहुत बड़ा पैकेज हो सकता है बूस्ट करने के लिए रियल्टी सेक्टर को। और यह एक ऐसा सेक्टर है जहाँ से हर एक डिमांड क्रिएट हो सकती है। जो मार्केट में मंदी थोड़ी सुस्ती छाई थी, तो डिमांड नहीं थी, डिमांड इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि यह एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर घर होता है वहाँ पर हर एक चीज़ की डिमांड क्रिएट होती है। तो ये काफ़ी बूस्टर डोज माना जा रहा है इकोनॉमी के लिए, मार्केट के लिए। तो कल हमें एक डीप के बाद एक ज़बरदस्त अपसाइड रैली देखने को मिली। हालांकि 12,000 का जो साइकोलॉजिकल बैरियर है, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ, जस्ट टच किया और इसके नीचे आके क्लोज हुआ। तो आज देखना ये होगा, वीकली एक्सपायरी का दिन है, इसके ऊपर सस्टेन करता है या फिर कल का जो अपसाइड मूव था उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। तो चार्ट के ऊपर चलते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद इंट्राडे लेवल्स आज क्या होंगी निफ्टी के लिए वो भी देखेंगे। तो डेली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है डेली चार्ट। डेली चार्ट में हमने ये जो तीन दिन थे यहाँ पर दोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखा, उसके बाद भी ये जो कैंडल बना था ये निगेटिव कैंडल बना था, ये भी हैंगिंग मैन जैसा कैंडल था, यानी ट्रेंड रिवर्सल का ये सिग्नल था। उसके बाद अभी कल एक सुबह एक डीप आया था और बाद में ज़बरदस्त अपसाइड मूव हमें देखने को मिला। हालांकि ये जो कैंडल है ये बुलिश है, लेकिन ये स्ट्रांग बुलिश नहीं है, ये मॉडरेट बुलिश है। इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है, यानी जो कल का हाई बनाया था 12,000, ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। इसके ऊपर अगर ये निफ्टी इंडेक्स सस्टेन करता है, डिसीजिव मूव आती है, तो हमें और भी निफ्टी में आगे आने वाले समय में नॉर्थ साइड मूव देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ पर फिलहाल वेट एंड वॉच करना होगा। अगर ऊपर के लेवल्स के 12,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो ही हम यहाँ से ओवरनाइट पोजिशन रख सकते हैं निफ्टी में। अभी यहाँ पर देखें तो आज एक्सपायरी का दिन है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, सो भी कॉशियस रहना होगा ट्रेडिंग करते वक्त। तो आज के निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, वो आइडेंटिफाई करेंगे। यह है 60 मिनट का चार्ट निफ्टी का। अगर निफ्टी इंडेक्स कल का हाई यानी 12,003 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और अभी यहाँ पर ये जो स्विंग मिला है, अगर हम यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ करें, तो हम देख सकते हैं अभी ये कल 23.6% का ये जो लेवल था, इसी के पास ऑलमोस्ट आके ये क्लोज हुआ है। और इसने अभी ऊपर 12,003 को अगर ये कंफर्टेबली ब्रेक करता है, तो फर्स्ट हमारा टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R1 का लेवल, जो कि 12,028 के पास है। और फिर सेकेंड टारगेट हमारा एक छोटा होगा, वो 38.2% का, जो कि 12,040, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूअर्ड साउथ की तरफ अगर ये मूव करता है, तो ये जो बियरिश कैंडल बना है इसका लो ब्रेक होने दीजिए, यानी 11,956 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है, तो ही हम इंट्राडे के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का, ये 11,939 का लेवल, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 11,911, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। कल के एनालिसिस का भी एक क्विकली रिव्यू करते हैं। तो यह एक पिक्चर है कल का, यानी 6 नवंबर आफ्टर मार्केट आरसीए पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है, तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी।
तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,926 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,902। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी ओपन होने के बाद हमारा ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ और हमारा फर्स्ट टारगेट 11,884 ये यहाँ पर अचीव हुआ और सेकेंड टारगेट 11,858 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। काफी देर तक इस लेवल को पेनेट्रेट कर रहा था और यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद में कंफर्मेशन मिला और यहाँ से जबरदस्त अपसाइड ये मूव देखने को मिला और उसके बाद ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद 11,952 फर्स्ट टारगेट भी अचीव हुआ और सेकेंड टारगेट 11,976 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। तो काफी जबरदस्त ट्रेडिंग करने का कल मौका था और अगर कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 58 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड रुपीज 43,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।